टीकमगढ़ दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रेत के अवैध परिवहन पर कहा कि मध्य प्रदेश से फर्जी पिट पास पर उत्तर प्रदेश रेत पहुंचाई जा रही है। ये बहुत गंभीर मामला है जिसको लेकर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए वो कहेंगे। रेत खनन की नई नीति को सरकार का अच्छा फैसला बताते हुए उन्होंने कहा इसके लागू होने पर पंचायत स्तर पर लोग रेत बेच सकेंगे जिससे नदियां सुरक्षित होंगी। साथ ही पीने के पानी की समस्या पर कहा कि जिन इलाकों में पीने का पानी नहीं पहुंच सकता वहां पायलट प्रोजेक्ट योजना लागू कर पानी की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा जो इलीगल होता है यहाँ के कुछ पकड़े गए हैं उस तरह पकड़े हमने खुद पकड़वाए वहाँ पर और वो मध्य प्रदेश की तरफ से नकली पिट पास बना करके जा रहे थे। ये बहुत सीरियस मामला है और मैं राज्य सरकार को लिख के भेजने वाली।